हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने जो DVR का रेजुलेशन कैसे चेंज करते हैं। कभी कभी होता क्या दोस्तों, जैसे मान चलिए कि किसी आपकी टीवी पे नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी टीवी मान चलिए HD नहीं है और DVR HD पे लगा हुआ, तो आपकी टीवी नहीं सपोर्ट कर रही, तो आप रेजुलेशन उसका कम करके अपनी टीवी पे चला सकते हैं। दोस्तों बहुत प्रॉब्लम ये लोगों के साथ लोगों को फेस करना पड़ता है दोस्तों, तो अपनी रेजुलेशन कैसे चेंज करते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दोस्तों बता दें, आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल राजेंद्र, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत हो। मैं राजेश कुमार मौर्य, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रेजुलेशन को कैसे चेंज किया जाता है। चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पे क्लिक करना होगा। डिस्प्ले पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले का और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना होगा। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे 120x1024। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे अगर आपके टीवी में नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना होगा, 120/80/720 पे आपको कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, 1280x720 पे आपको करके यहाँ से नीचे से सिंपल से अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो ये आपका DVR रिस्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसका वो चेंज हो गया। ठीक दोस्तों, तो अब आपकी ये टीवी पे चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, अपने जो रेजुलेशन आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। होता क्या, जैसे आप अभी आपने सोचा होगा कि अगर हमारी टीवी में चल जाए रेजुलेशन कैसे, पर उसके लिए आपको किसी मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी टीवी HDMI पोर्ट पे चलाना चाहते हैं, तो अगर मान चलिए कि आपके पास मॉनिटर है, तो VGA केबल से रेजुलेशन का कोई पंगा नहीं होता। बहुत ज़्यादा पुराना मॉनिटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा लेटेस्ट में होना चाहिए। VGA पे किसी भी रेजुलेशन पे रहेगा, VGA पे चल जाएगा, तो VGA पे आप जा करके वहाँ से रेजुलेशन को सेट करके फिर अपनी टीवी HDMI में आप लगा लीजिए दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप दोस्तों कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी आपको सुटेबल लगी हो, अच्छी लगी, तो वीडियो को अब लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।